मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। मुंबई पुलिस को सलाम। आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस को सलाम, मैं फारूक शाह हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं वर्ली के कोलीवाड़ा में हूँ और कोलीवाड़ा में मच्छी मारने वाले जो समाज के लोग हैं और वो लोग यहाँ पे कल के डेट में होली भी है और होली के साथ साथ अपने परिवार के साथ आज के डेट में कुछ होली को लेकर के मना रहे हैं। साथ में इनकी कुछ समस्याएँ भी हैं और वो समस्याएँ काफ़ी गंभीर हो सकती हैं आने वाले वक्त में। आखिर समस्याएँ क्या हैं उन पर चर्चा करेंगे और फिर इनके इस पर्व के पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम मिलते हैं, आपका नाम? आप थोड़ा आ जाए, चले दीजिए, कट कर लेंगे, बस यही मिलते हैं। आपका नाम? नितेश पाटिल। नितेश पाटिल साहब, ये बताइए कि आज कुछ घटना घटी है आप लोगों के साथ, आपके टीम के साथ, क्या घटना घटी, क्या हुआ? वो क्या हो गया, दोपहर के टाइम में जो भी लो टाइड रहे थे, लो टाइड के टाइम में जो हजली के कुछ बंदे कुछ गिरवा चौपाटी के उधर से मतलब बंदे उधर से ये हमारे एरिया में जो हमारे वर्ली कोलीवाड़ा की ड्यूटी है उधर आके वो कीड़ा निकालते हैं। कीड़ा मतलब जो मच्छी का खुराक आता है, हाँ, मच्छी उसमें खाते वो जगह पे एरिया उन लोग का कवर करती है, मतलब वो जगह रहने के लिए मच्छी वहाँ आती है चारा खाने के लिए। चारा खाने के लिए तो वो पूरा मतलब वो निकल के लेके ही जा रहे हैं इधर से, हमारे इधर से। अभी वैसे हो जाएगा तो हमारे आगे जो भविष्य है वो पूरा मच्छी इधर से निस्तनाबूद होने वाली है। मच्छी अगर मतलब आपका कहने का मतलब है कि मच्छी यहाँ पर आ नहीं पाएगी क्योंकि अगर उसको खुराक नहीं मिलेगी तो आएगी नहीं, तो खाने के लिए उन लोग को जगह में नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह चेंज करेगी। सेम सिचुएशन हमारे गांव में ही सेम सिचुएशन हो गया, जो शिवाजी पार्क का जो एरिया है उधर भी वैसे ही हो रहा था, वैसे ही उधर से कीड़ा सब निकल रहे थे गए साल में। अभी गए साल के बारिश के टाइम के बाद में उधर मच्छी नहीं हो रहा है, मतलब नज़दीक में किनार पट्टी में मच्छी नहीं आ रही है। जो कीड़ा निकाल रहे हैं कि कोई एक पूरी पूरा मतलब टीम ही है, वो जो हजली का जो इतना भी मतलब ग्रुप है ना, मतलब जो कीड़ा उधर से बेच के वो लेता है वो पूरा टीम ही है, एक दो जन है वो लोग बता दे इधर जाओ और उधर से वो कीड़ा निकल के लेकर आओ, हम लोग तुम लोग को किलो के भाव के ऊपर हज़ार रुपये देंगे, 1200 रुपये देंगे, ऐसे लालच फैला के उन लोग को इधर भेज दिए और इधर से हम लोग के इधर से वो कीड़ा निकलते, हम लोग उनको मतलब 2 से 3 महीने के पहले से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि इधर से मत कीड़ा निकालो, हमारे खाने वो मच्छी का खाने की खुराक है, वैसे भी हम लोग का जो जाने आने का रास्ता है उधर का, मतलब जो लो टाइड में हमारा बोट जो पानी के नीचे रहता है उधर, तो हम लोग वही रास्ते से हम लोग उधर जाते हैं, उन्होंने उधर 1-1 मीटर खोल खड्डा खोदा है, तो हम लोग जाएंगे आएंगे कैसे, जाते जाते समय हम लोग गिर जाते हैं। आपके वर्क पे जाने के रास्ता जो है उसको पूरा मतलब डैमेज कर दिया, खड्डा पूरा डैमेज कर दिया और वो जो एरिया में है ना उधर पूरा मतलब पत्थर एक जगह से बैठा नहीं है, ऊपर नीचे बैठा है, तो हम लोग जाते समय वो पत्थर पे पैर गिरेगा तो फिसल जाते हैं और गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो उसमें हम लोग पैर भी टूटने का चांसेस, हाथ भी टूटने का चांसेस है, इसलिए हम लोग सर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वारंट, जब भी उन लोग को हम लोग देखते हैं कि उन लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर हमारे एरिया में आप लोग जाने आने का रास्ता है, हम लोग का वो एरिया तो छोड़ के हम लोग का कीड़े आपसे पूछना चाहते हैं, आप मच्छी का कारोबार है आपका, मतलब आप मच्छी पकड़ते हैं, मछुआरे हैं और आप उसको मार्केट में बेचते हैं या फिर चाहे जैसे अपना जीवन चलाते हैं, उसका आपको एक लाइसेंस भी मिलता होगा, जैसे आपकी गाड़ियों में लाइसेंस नंबर है तो आपको मच्छी भी मारने का लाइसेंस है, ये जो लोग जिस कीड़े को पकड़ रहे हैं क्या उनके पास भी कोई लाइसेंस अथॉरिटी का सिस्टम है? कोई भी लाइसेंस अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी मतलब उनके पास आईडी प्रूफ नहीं है। ये कहाँ के लोग हैं, कैसे लोग हैं आपके मतलब नज़र में, कहाँ से है ये लोग, यही आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं कि बाहर के? हमारे वर्ली कोलीवाड़े के मतलब कोई भी बंदे नहीं है, कोई नहीं बंदा नहीं है, जो भी है वर्ली हजली का बंदा है, जो हजली के पीछे भैंसों के पीछे जो स्लम है उधर के वो सब लोग आते हैं, उसमें लेडीज भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेके आते हैं और इधर खड्डा करके कीड़ा निकाल के जाते हैं, 2 मीटर 2.5 मीटर खड्डा करके जाते हैं।
अच्छा एक बात और पूछ रहा था, लगातार काफ़ी सालों से आगे आपका बचपन गुजर गया होगा, आपके पूर्वजों ने ये बिजनेस किया है, इस व्यापार में है, तो ये कीड़ा जो लेके जा रहे हैं ये खुद खाने के यूज में हो रहा है कि इस कीड़े को बेचते हैं किसी और कारण के लिए, आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? उसको बेचते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर दे। ये किस काम में आता है? जैसे कि अपन फार्मिंग कर दे, जो मच्छी का मीठे पानी का मच्छी का जो फार्मिंग कर दे वो उसके लिए यूज कर दे। अच्छा अच्छा, उस मच्छी को खिलाने के लिए ये यहाँ से लेके जा रहे हैं। ऐसा वो लोग जो आता है सप्लायर लेने वाला वो ऐसा बताता है और उन लोग को इधर एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह आती है कि 1000 रुपये किलो का चारा खरीद करके अगर कोई फार्म हाउस में फार्मिंग करेगा और मच्छी पालेगा तो नहीं खिला सकता, ये ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता। फिलहाल ये मच्छी का मतलब आपके नज़र में ये खाने योग्य है क्या? इसको खाने के यूज में तो नहीं आता होगा? चाइना में तो खाते हैं ये, चाइना में खाते हैं, चाइना में ये खाते हैं, ये कीड़ा है ना वो चाइना में खाते हैं, लेकिन अपने इधर खाते हैं क्या मालूम नहीं, लेकिन चाइना में ये खाते हैं। तो इसको 1000 रुपये किलो जा रहा है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग भी इसी का बिजनेस कर लो, मच्छी छोड़ दो, 1000 रुपये किलो का माल बिक रहा है? लेकिन ये क्या मालूम है, जो भी अभी आप बोले कि हम लोग भी बिजनेस करो, लेकिन हम लोग का कैसा है कि दूसरा को गिराने का हम लोग को ये नहीं है, अभी जो भी है चीज़ की जानकारी नहीं, हम किसी और को बेच करके नुकसान में न डालें। अभी हमारे कोई भी बंधु है वो उधर से रास्ते से जाने वाला है, वो आज ना रात के लिए जाएगा उधर से। एक बात मैं बोला हूँ, देखिए कैसा, जिस चीज़ को मालूम मच्छी आप बेचते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मच्छी कोई ले जाएगा खाएगा तो उससे उसको नुकसान नहीं, हाँ हानिकारक नहीं है, ये आपका पूर्वजों से लेकर आप तक का बिजनेस है जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन ये जो कीड़ा है इसको आप जानते नहीं, ये खाने में नुकसान करेगा फ़ायदा करेगा, जहर है कि क्या है मालूम नहीं, तो आप उसको नहीं करना चाहते, आप वही काम करोगे जो आपके लीगल तरीके से आपको मिला है, आप जो कर रहे हैं, जो भी हमारा जो भी पारंपरिक बिजनेस है जो पूर्वजों से हम लोग को मिला है, हाँ पूर्वजों के पास से, वही हम लोग जो भी है वैसे ही कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग कुछ भी मतलब जो किचन का जो भी है मटेरियल है हम लोग का कुछ भी मशीनरी यूज नहीं है, हैंडमेड सब हैंडमेड है, सब हैंडमेड है, जो हाथ से हम लोग किचन करते हैं हाथ से जाली खींचते हैं, हम लोग ऐसे नहीं रहता कि मशीनरी से जाली खींचने का, कैसे इधर का कितना भी जितना भी फिशिंग बोट है सब वही करते हैं पारंपरिक जो पद्धति से जो अभी आ रहा है वैसे ही फिशिंग कर रहे हैं, लेकिन जो भी अभी ये नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है अलग अलग ये कुछ ना कुछ अभी कीड़ा का आ गया मसला वैसे कुछ ना कुछ आके ये फिशिंग के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। एक सवाल हमारे पास और आता है इसी मामले को लेकर, जन्म लेता है कि शासन प्रशासन को सारे टैक्स आप लोग पे करते होंगे, सभी चीज़ों का टैक्स पे करते हैं, तो इस समस्या के लिए आप शासन प्रशासन से कुछ मांग किए? इसके लिए हम लोग ने मांग नहीं किया, लेकिन हम लोग ने पुलिस से मदद रिक्वेस्ट किया था एक दो दिन पहले, तो वो लोग भी गए थे उधर, वो लोग भी चिल्ला के उनसे ये किया भगा दिया, लेकिन वो लोग आने के बाद वो पुलिस वाले आने के हमारे जो थाना के एरिया के पुलिस स्टेशन के जो भी गार्ड है इधर के जो सिक्योरिटी पे आते तो उन्होंने जाके उन लोग पे चिल्लाया, लेकिन वो उधर से निकल के आए तो बाद में फिर से वो उधर चालू हो गया। अच्छा ऐसे चालू है। अब एक आखिरी में हम ये जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में लगभग कितने परिवार आपके इस बिजनेस में इस व्यापार में कितने परिवार प्रभावित होंगे अगर ये इस तरीके से बार बार खनन होता रहा और इस मच्छी कीड़े को निकालने के चक्कर में रास्ते बंद हो जाए, रिस्क चली जाए, आपका जो मच्छी पकड़ने का चारा ही नहीं रहेगा तो मच्छी ही नहीं रहेगा, आप कहते हैं कि मच्छी नहीं रहेगी तो हमको मिलेगा क्या, तो आपके बिजनेस पे असर कितना पड़ेगा, कितने परिवार होंगे आपकी जानकारी में यहाँ पे कितना बड़ा मतलब परिवार देखेंगे जाएंगे तो यही एरिया के कम से कम 250-300 परिवार इधर यही एरिया के इसी जगह के और अलग दूसरे जगह का अलग है, मतलब हमारे बोट में एक बोट में कम से कम 4 आदमी रहते हैं, एक तो खुद ओनर रहता है जो भी हम लोग बोलते हैं चार खलाशी उनका फिर उनका भी उनका फैमिली आता है, अभी हमारा मैं ही खुद घर पे बैठा तो 3 जन भी घर पे बैठने वाले हैं। अब आपसे एक आखिरी में मैं पूछना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से और आम जनता से या समाज सेवियों से आपका कुछ अनुरोध है कि इस मामले को किस तरीके से लेना चाहिए, हमारा क्या कहना चाहेंगे? यही अनुरोध है कि जो भी है हम लोग को नुकसान होना नहीं मांगता है, जो भी हम लोग का फिशिंग का जो भी हम लोग के पूर्वज से आ रहा है वैसे ही चालू रहना होता है, और ये जो कीड़ा निकल रहा है उनको कायदेशीर उन लोग ने कार्रवाई करना मांगता है।
क्योंकि हम लोग को इनके ऊपर से मतलब बहुत सारा टेंशन आ रहा है, इन लोग के ऊपर से हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वो लोग खड्डा करके जा रहे हैं, दो दो तीन तीन मीटर का खड्डा रहे, तो उसमें कभी हम लोग नाइट में चल के जाते हैं लोटेड में, तो नाइट में तो दिखेगा नहीं पत्थर के, पर टक्कर से आदमी गिर गया कुछ हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये लोग लेंगे, ये तो किधर ना किधर से आते हैं हजेली के इधर से और लेके जाते हैं, जब हम लोग नहीं रहते इधर जेट्टी पे, हम लोग क्या 24 घंटा इधर नहीं रहते, हम लोग सुबह जाते हैं फिशिंग के लिए, आने के बाद घर पे रहते हैं, और हम लोग का ये जो फिशिंग है वो डेली फिशिंग है, डेली फिशिंग करते हैं, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जाते हैं वापस 8-9 बजे, जैसे मच्छी का सीजन रहता है वैसे बोट वापस रहता है, लेकिन डेली फिशिंग है। और कोई कुछ बोला जाता है? ठीक है, अभी सुन लीजिए। तो आपने सुना यहाँ पर कि मामला ये है कि डेली फिशिंग करने वाली जनता जो यहाँ के लोग हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं और अपने रोजी रोटी की तलाश में डेली निकलते हैं, लेकिन उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत है कि उनके व्यापार पे असर पड़ेगा, जो मछलियाँ समुद्र के किनारे आ करके, यानी यहाँ किनारे पर आ करके अपने लिए चारा ढूंढती थी और इनको आसानी होता था उन मछलियों को पकड़ने में, लेकिन समस्या ये हो रही है कि जब उसके खाने को ही लोग चुरा रहे हैं और 1,000 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो 1,000 रुपये किलो का सबसे बड़ा मामला आता है कि आखिर क्यों, उसमें ऐसे कौन से तत्व हैं, कौन सा ऐसा खूबी है या वो किस काम में लाया जा रहा है। अगर बात इस बात की जाए कि उसे मच्छी के फॉर्म वाले जो मच्छी पालन करते हैं वो लेते हैं, तो 1,000 रुपये किलो की चीज़ मच्छी को खिलाकर भी कितने 1,000 में बेचेंगे। दूसरी बात ये आती है कि अगर वो मच्छी पालने के काम में नहीं आता है, उसमें यूज़ नहीं किया जाएगा, तो आखिर वो किस अन्य किसी प्रोडक्ट में यूज़ किया जा रहा है या फिर उसे खाया जा रहा है। चीन की तरह भारत में कॉकटेल यानी जानवरों का मांस और मटन मच्छी को कॉकटेल बना करके खाने पर चीन से एक बीमारी उभर के सामने आई जो पूरी दुनिया को दहशत में डाल दी है। जाने कौन सी ये मुसीबत सामने आने वाली है, इस बात को शासन प्रशासन को सतर्कता से रखना चाहिए नज़र में। दूसरी बात आती है कि इनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पुश्तैनी बिजनेस है और व्यापार है, ये एक ऐसा कल्चर है जो आगे चल के खो सकता है। आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस को सलाम, मैं फारूक शाह। मुंबई पुलिस को सलाम।